बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी बिलाल अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ऑल पावर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था किंगडम फंजाई से, या हम कह सकते हैं माइकोलॉजी से, वो था काइटिडियोमाइकोटा, जिसमें मैंने आपको उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ साथ उसका सोमेटिक स्ट्रक्चर, होलोकॉर्पिक और यूकॉर्पिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। स्टूडेंट, चूंकि मैं BS लेवल को पढ़ा रहा हूँ, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ काइटिडियोमाइकोटा को देखने वाले हैं। यानी अगर हम काइटिडियोमाइकोटा की बात करें कि इसमें क्लासेस कितने हैं, इसमें ऑर्डर्स कितने हैं, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइटेरियोमाइकोटा की बात करें, सो देर आर टू क्लासेस इन क्राइटेरियोमाइकोटा। स्टूडेंट, जो क्राइटेरियोमाइकोटा हमारे पास एक पाइलम है, इसमें हमारे पास टू क्लासेस है। कौन कौन से क्लासेस है? एक क्लास है काइट्रिडियोमाइसिटीज एंड द सेकेंड वन इज प्लाज्मोडाइपोरियोमाइसिटीज। लेकिन स्टूडेंट्स, BS लेवल पर जो है प्लाज्मोडाइपोरियोमाइसिटीज को टच नहीं दिया गया, सिर्फ काइट्रिडियोमाइसिटीज को टच दिया गया है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम काइट्रिडियोमाइसिटीज क्लास को डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज काइट्रिडियोमाइसिटीज। यानी अगर हम इन दो क्लासेस की बात करें, तो इसमें हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है काइटिडियोमाइसिटीज। अब फ्रेंड्स, काइटिडियोमाइसिटीज की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके के होंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइटिडियोमाइसिटीज इज सेम एज दैट व्हिच आई हैव डिस्कस इन माय प्रीवियस लेक्चर। यानी स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड की थी, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता हो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है काइटिडियोमाइसिटीज के किस तरीके के होंगे। जब हम काइटिडियोमाइकोटा के इनिशियल लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होगा, इसका तेल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो जब भी अगर काइटिडियोमाइसिटीज आए या काइटिडियोमाइकोटा आए, तो दोनों के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब स्टूडेंट्स, BS लेवल पर एक स्पीशी दी होती है सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी एग्जाम्स की बात आती है, तो ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सिनकाइट्रम का जिक्र ना हो। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम के हम सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि कौन से डिविजन से है, कौन से क्लास से है, कौन से ऑर्डर से है। जब हम एक स्पीशीज को किंगडम में, डिविजन में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, इसमें डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। सिस्टमेटिक पोजीशन, या हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमिक पोजीशन। अब स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किंगडम को। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इसका किंगडम है माइकोटा, डिवीजन है यूमाइकोटा, पाइलम है काइटिडोमाइकोटा, जिस तरह मैंने अर्ली मेंशन किया हुआ है। क्लास की अगर मैं बात करूं, तो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इसका जो क्लास है वो है काइटिडियोमाइसिटीज। ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो वो है काइटिडियल्स, और ये ऑर्डर नहीं है, ये है फैमिली। फैमिली जो है वो है सिनकाइट्रिएसी। जीनस की अगर हम बात करें, तो वो है सिनकाइट्रियम, और स्पीशी हमारे पास है एंडोबायोटिकम। अब फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है, अब मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखा हुआ है हान पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट्स, ताकि इससे आपको ये पता लगे कि पहले किंगडम आता है, फिर पाइलम आता है, डिवीजन। स्टूडेंट्स, चूंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इधर डिवीजन को नहीं, इधर हम डिवीजन को मेंशन कर रहे हैं, जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो फिर उधर हम सिर्फ फाइलम को मेंशन करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, हान पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट, जब मैं एट में था, हमारे टीचर ने तब हमें मेमोराइज कराया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे याद है। तो हान से जो के है, इससे हमारा हो जाएगा किंगडम, पी से हमारा हो जाएगा पाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फोर के एफ से फैमिली, गुड के जी से जीनस, और स्टूडेंट के एस से स्पीशीज। तो ये जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये आप इसे याद कर सकते हो। अब स्टूडेंट, सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अकरेंस की बात करेंगे कि आप कहाँ पर अकर किया जाता है। सो
सिनकाइट्रियम इंक्लूड्स अबाउट 200 स्पीशीज। स्टूडेंट जिस तरह आपको पता है कि सिनकाइट्रियम हमारे पास एक जीनस है और इसमें हमारे पास टोटल 200 स्पीशीज है विच आर हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट्स हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ पैरासाइटिक होंगे कुछ से प्रोपाइट्स होंगे, तो इसलिए इन्होंने कहा वाई विच आर हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड। दे अकर एज अ पैरासाइट ऑन एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट्स अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ सिनकाइट्रियम की, ये जो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिक है बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास पैरासाइट्स है कौन से प्लांट्स पर, एंजियोस्पर्म्स पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, बेसिकली सिनकाइट्रियम जो है उन पर क्या है पैरासाइट है। द बेस्ट नोन स्पीशी इज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। जिस तरह स्टूडेंट हमारा टॉपिक है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो बेस्ट नोन स्पीशीज है वो है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कॉजिंग अ डिजीज एंड ट्यूबर्स। स्टूडेंट सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम को इसलिए जाना जाता है क्योंकि स्टूडेंट ये पोटैटो में एक डिजीज काज करता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक वर्ल्ड डिजीज। ये एक ऐसा खतरनाक डिजीज है स्टूडेंट जो पोटैटो के यील्ड में जो काफी हद तक कमी लाता है। ट्यूबर से हमारा मुराद पोटैटो है। सिनकाइट्रियम आल्सो अफेक्ट्स द मेंबर ऑफ हिबिस्कस पेजियोलस ब्रिंजल वाइन एंड कुकरबिट्स। सिनकाइट्रियम जो है जिस तरह मैंने मेंशन किया वाई ट्यूबर्स, कौन कौन सी फैमिली के स्पीशीज को, हिबिस्कस आप जानते हो कि भिंडी जो है वो भी सिनकाइट्रियम जो है उसको अफेक्ट करता है, पेजियोलस जितने भी दाल वाली फैमिली है मूंग दाल हो दाल माश हो सिनकाइट्रियम जो है उसको भी इफेक्ट करता है, ब्रिंजल को और कुकरबिट्स को, कुकरबिट जो कीड़ा वगैरह की फैमिली है उसको भी क्या करता है सिनकाइट्रियम उसको भी इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद में मजीद लिखकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम आते हैं टुवर्ड्स द सिम्टम्स। देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं जब भी एक प्लांट में कोई डिजीज काज होता है और वो प्लांट जो इस डिजीज के खिलाफ कोई एक्शन शो करता है उसको हम कहते हैं सिम्टम्स। So the plant show no apparent symptom, but with the passage of time, swelling is produced and the tuber's color change in purplish brown. चुन चुके हम बात कर रहे हैं ट्यूबर्स की, तो शुरू में जो है इस प्लांट में कोई भी सिम्टम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये जो ट्यूबर है इसमें स्वेलिंग आएगी और साथ साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा पर्पलिश ब्राउन में या हम कह सकते हैं ब्लैक में। अब सुन जाएंगे सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की बात हो रही है तो हम इसके सोमेटिक स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर इज नो माइसीलियम बिकॉज इट इज अ सिंगल सेल एंड लाइज इन द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट। सुन मैंने शुरू में बताया था कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो है ये सिर्फ एक सिंगल सेल है, तो माइसीलियम तो सुन कलेक्शन ऑफ मेनी हाइफा है, तो जब एक सिंगल सेल हो गया तो ये जो होस्ट होता है उसके एपिडर्मिस में रहता है। When it mature, it may surround by thick wall in certain species. इसमें चूंकि ये host के epidermis में रह रहा होता है और students में division होंगी, ये मजीद spores पैदा करेगा, तो जब ये mature हो जाता है इसमें क्या हो जाता है, ये इससे एक wall surround हो जाता है। कौन सा wall? Thick wall होता है, एक मोटा wall होता है। And the next point is infection of potato tubers in the soil is caused by uniflagellated zoospores which swims in thin film of water. सुन चूंकि मैंने आपको बताया कि ब्लैक वर्ड डिजीज जो पोटैटो की है वो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से काज होती है। अब ये जो इन्फेक्शन है किस तरीके से काज होती है, सुन आप लोगों को पता है कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की जो स्पोर्स है वो यूनिफ्लैजेलेटेड है। जो स्पोर्स हम ऐसे स्पोर्स कहते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, तो मूवमेंट वो द हेल्प ऑफ फ्लैजेला शो करते हैं, इनके साथ सिर्फ एक फ्लैजेला होती है और जब इनको एक टिन फिल्म ऑफ वाटर मिल जाता है तो वो तो ये जो जूस्पोर्स है ये उसमें मूवमेंट शो करते हैं और कहाँ पर जाते हैं, जो होस्ट का एपिडर्मस से वहां पर जाते हैं। As zoospores penetrate the epidermis of the tuber and enter inside the host, leaving their flagella outside, जिस तरह मैंने आपको बताया चूंकि जो जूस्पोर है ये वाटर में मूवमेंट करेगा टूवर्ड द एपिडर्मस और जो ट्यूबर्स है उनके एपिडर्मस को पेनेट्रेट करके उसमें अंदर चला जाएगा, जूस्पोर सारा अंदर चला जाएगा लेकिन फ्लैजेला जो है वो आउटसाइड रहेगी बाहर रहेगी। आफ्टर एंटरिंग इट अज्यूम एन अमीबॉइड शेप, जब ये होस्ट में एंटर हो जाता है तो इसका शेप चेंज होके किस जानदार की तरह हो जाता है, अमीबा की तरह। बट आफ्टर सर्टेन टाइम देयर साइज इंक्रीज एंड द ट्यूबर बिकम स्वेल। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि हाइपरट्रॉफी होगी और ये जो आलू है ये जो ट्यूबर है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएंगी स्वेलिंग। एट सच स्टेज इट सिंक्स इन द बॉटम ऑफ द होस्ट सेल एंड सीक्रेट अ टू लेयर वॉल अराउंड इट सेल। क्योंकि स्टूडेंट जब इसमें इसके साइज में इंक्रीज आ जाता है तो
इस टाइम पे करता क्या है, सिंक हम कहते हैं बैठ जाना, तो जो होस्ट का एपिडर्मस है उसके बॉटम में सिंक हो जाता है, नीचे चला जाता है और क्या करता है, एक टू लेयर वॉल जो है अपने इर्द गिर्द सिक्रीट कर लेता है। द आउटर वॉल इज थिक एंड गोल्डन ब्राउन, मैंने कहा टू लेयर वॉल है, जो आउटर लेयर होगा वो थिक होगा और साथ साथ गोल्डन ब्राउन होगा, वाइल द इनर इज ट्रांसपेरेंट, जबकि इनर जो वॉल है वो ट्रांसपेरेंट होगा। एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड समस्पोर, जब ये अपने इर्द गिर्द टू लेयर वॉल सिक्रीट करेगा, द आउटर इज थिक एंड द इनर इज ट्रांसपेरेंट, तो इस टाइम पे हम इसको कहेंगे समर स्पोर। अब समर स्पोर में स्टूडेंट्स आगे डिवीजन होंगी, इसके मजीद स्पोर्स पैदा होंगे, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सिंकाइट्रम एंडोबायोटिकम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, और हमारा जो अगला लेक्चर आएगा फिर उसमें इंशाल्लाह हम सिंकाइट्रम एंडोबायोटिकम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।